Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video lecture, we will talk about mutual funds. Actually, some of the students are regularly messaging me like, sir, please mutual funds pe videos aap upload kar dijiye. So this is the most awaited series of mutual funds. Dekhi, mutual fund ko hume jo ye series mein start kar raha hum, isme hum like, we will talk everything about the mutual fund. Obviously, this is a particular type of investment avenue. अब अब जब आप invest करने जाओगे, so obviously where you invest your own money, so आपको पता होना चाहिए कि आप invest कर रहे हो, आप कहाँ पर invest कर रहे हो. So you need to know basics all about of this particular type of investment that is called mutual fund. So हम थोड़ा basic पढ़ते हैं. Mutual funds. देखिए, म्यूचुअल फंड्स को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा आपको इक्विटी मार्केट का यानी कि इक्विटी शेयर्स का भी आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए. बिकॉज इफ यू सी क्लोजली द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, इट इज टोटली डायरेक्टली लिंक विद द इक्विटी शेयर्स. एग्जांपल लेते हैं, सपोज यू आर गोइंग टू इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर. मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज रिलायंस. मैं आपको एक बार पहले बताता हूँ स्टार्टिंग में, लाइक वट एवर आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, लाइक मैंने अभी एग्जाम्पल लिया रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का. आई एम टेकिंग जस्ट ए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीवन टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर ओनली और इन दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ओनली. मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल लेने के लिए, सॉरी आपको समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ. मैं आपको कुछ सजेशन नहीं दे रहा कि आप सिर्फ इसी में इन्वेस्टमेंट करो. ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए अगर आप किसी पर्टिकुलर शेयर में, मैंने एग्जांपल लिया कि आप रिलायंस में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो. ठीक है, अभी मान लीजिए, अभी सपोज अगर देखा जाए तो रिलायंस का जो करंट मार्केट वैल्यू चल रहा है, अगर आप इसमें आज इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, सो इसका एक शेयर ऑन एंड अराउंड जो है 2000 चल रहा है. ठीक है, आई थिंक 2100 या 2200, मेरे को इतना गेन इतना अभी देखा नहीं इसको. सो बट ये 2000 तो है. ठीक है, सो अब जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आप क्या ऐसी आंख बंद के कर दोगे? ऑब्वियसली नॉट. सो बिफोर यू गो टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विटी शेयर, यू नीड टू डू एनालिसिस. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस. फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड द सेकेंड वन इज टेक्निकल एनालिसिस. एंड ये जो एनालिसिस है डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. बिकॉज ऐसा नहीं कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही एनालिसिस कर सकते हो, एक टाइम पे दोनों ही कर सकते हो. बट मोस्टली केसेस में क्या होता है कि डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है उसका. सपोज यू आर इन्वेस्टर एंड यू वॉन्ट टू इन्वेस्टमेंट इन दिस रिलायंस इंडस्ट्रीज. आपने शेयर ले लिया एंड यू आर बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन दिस रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो जब आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे, यू बेसिकली गो फॉर फंडामेंटल एनालिसिस. जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालाइज द इनकम स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज. इनकम स्टेटमेंट में और क्या करोगे आप? इसकी जो ओवरऑल जो P&L अकाउंट होगा, प्रॉफिट लॉस, उसको एनालाइज करोगे. इस कंपनी की ओवरऑल जो बैलेंस शीट होगी वो आप एनालाइज करोगे. ठीक है, सो इन तीनों को आप एनालाइज जब करोगे, यानी जब इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मीन्स इसकी पूरी हिस्ट्री आप जो है पूरा डेटा इसको माइनिंग करोगे, आपको देखोगे कि पास्ट हिस्ट्री में इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे, ओवर पीरियड टाइम ग्रोथ हुआ नहीं हुआ. बैलेंस शीट देखोगे कि बैलेंस शीट में कंपनी की जो है ओवरऑल एसेट कितनी है, डेट कितना है, एक्सपेंसिस कितना है, डेट कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कंपनी के मतलब ओवरऑल जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डेट पे वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये उसी के ऊपर जो है सब जो एनालाइज करते हो तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस. और जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है तो बेसिकली आ जाते हो कि आप सोचो कि अभी कुछ भी मार्केट चल रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, मार्केट ये जो पर्टिकुलर जो शेयर है वो लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा है, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करके आप जो इसमें इन्वेस्ट कर देते हो. सो दिस इज द ऑल अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस. नाउ कम टू टेक्निकल एनालिसिस. देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में होता है कि वेन, जैसे मैंने आपको बताया था, जो ये दो जो जो दोनों एनालिसिस है बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर
ऑब्जेक्टिव। अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो कि आप रिस्क टेकर हो या क्या कह सकते हो रिस्क लवर हो, प्लस आपका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अर्न रिटर्न इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो आप क्या करते हो बेसिकली आप जो है इस रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट को आप जो है पढ़ोगे, चार्ट को आप पढ़ोगे, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पर डिसाइड किया इस पॉइंट पे कि आप इन्वेस्ट करोगे, आपको पता लगा कि भी अब जो यहाँ से जो है रिलायंस की जो है हमें कोई एक अच्छे हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आई हो सकता है रिलायंस ने किसी एक कंपनी को टेक ओवर कर लिया। अब जब टेक ओवर करेगी तो रिलायंस के जो बिजनेस जो है वो एक्सपेंड होगा, ठीक है, तो डिमांड होगी बढ़ेगी उस शेयर की, ठीक है। तो क्या करते हो आप उसमें शेयर में आपने मान लीजिए इस पॉइंट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और तो देखो यहाँ पर वो शूट अप कर गया और यहाँ पर आपके अपने इसको अपने सेल कर दिया, यहाँ पर आपने क्या कर दिया इसको सेल और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर आपने इसको परचेज। तो यहाँ पर आपने देखिए शॉर्ट पीरियड में आपने क्या करा प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है। सो दिस इज दी ऑल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। सो इन शॉर्ट कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या करते हैं जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो, ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस क्या करते हैं जब शॉर्ट पीरियड में जब रिटर्न अर्न करना चाहते हो, ठीक है। अब आप खुद सोचो, मान लीजिए देखिए जो इन्वेस्टर होते हैं बेसिकली देखिए दो टाइप के होते हैं, या तो वो देखिए सैलरी इनकम पर्सन होंगे या तो वो देखिए बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे। अब मान लीजिए आप सैलरी इनकम पर्सन हो या अच्छा बिजनेस से बिलोंग करते हो, तो आप क्या ये सोचोगे कि जब आप इन्वेस्ट करोगे इन इक्विटी शेयर्स में तो क्या आप इतना टाइम देख पाओगे? बिकॉज आपको अभी अभी मैंने समझाया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ये दोनों तरीके ही जो है एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्या इधर यू गो फॉर फंडामेंटल एनालिसिस और यू गो फॉर टेक्निकल एनालिसिस, एंड दीज ऑल बोथ एनालिसिस आर टाइम कंज्यूमिंग और आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आप किसी बैकग्राउंड से हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए एंड फॉर दैट यू नीड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप बिजनेस में हो तो भी आपको ऑब्वियसली यू विल डेफिनेटली स्पेंड मोर टाइम ऑन बिजनेस फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, एंड अगर आप सैलरी इनकम पर्सन हो सो यू विल डेफिनेटली स्पेंड मोर टाइम फॉर योर ऑन ग्रोथ, ठीक है ना। आप ऑफिस जा रहे हो आप कहते हो प्रमोशन के लिए, वहाँ पर आप अपनी हार्डवर्क करोगे, ठीक है, बट इन दोनों में ही जो आप जो जहाँ पर टाइम स्पेंड करोगे आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहे हो, ठीक है। बट जब आपकी कुछ एडिशनल जो सेविंग्स होती है जो मनी होती है जो एडिशनल मनी होती है उसकी ग्रोथ हो नहीं पाती, तो उसके लिए आपको जो है इक्विटी शेयर्स में आप आते तो आना तो चाहते हो बट आपके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए जो है एक अदर वे जो है वो आ गया है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड विच इज दैट लिंक्ड विद द इक्विटी शेयर मार्केट, ठीक है। अब देखिए वैसे देखिए हमारे पास काफ़ी सारे जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल मार्केट में क्या क्या हैं, रियल इस्टेट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, कमोडिटी, कमोडिटी में क्या क्या रहेगा, गोल्ड, सिल्वर, ये दोनों आ गए, या फिर शेयर मार्केट एंड वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। सो ये सारे हमारे पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल है, ठीक है। हम अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो एंट्री लेते हो सो आप देखो यहाँ पर कितने हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 का कॉम्बिनेशन आपको जो है म्यूचुअल फंड में इजीली अवेलेबल होगा। यस, डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए अगर मैं म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, मैं आपको पहले बता दूं दैट यू नीड टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज योर पेशेंस एंड सेकेंड वन इज यू नीड टू अपडेट रेगुलरली योर सेल्फ। मतलब मैं ये देखो जब आप इक्विटी जैसे मैं एग्जाम्पल दे रिलायंस इंडस्ट्री का, इसमें तो आपको मैं देखिए मार्केट जो है विद इन सेकेंड जो है वो स्पाइक अप एंड डाउन करता है, बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है वो अप डाउन होता है बट वो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है अगर आप सिर्फ अपडेट रखो अपने आपको, ठीक है, लाइक वंस इन अ वीक, ठीक है, वंस इन अ मंथ सिर्फ अपना पोर्टफोलियो आप अगर देख लो कि कैसे जा रहा है, दैट्स इट,
जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, सो दैट मीन्स यू नीड टू इन्वेस्ट मोर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने बोला पेशेंस, होता क्या है कि जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो, मेरे को लाइफ सोचते हो कि मैं आज ही सारे रिटर्न मिल जाए, नहीं। अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक एक अ गुड रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन यू नीड टू हैव द पेशेंस। आपको अपने आपका पेशेंस बहुत अच्छा होना चाहिए अपना, डोंट बी पैनिक, ठीक है। सो पेशेंस भी होना चाहिए, प्लस आपको अपडेट भी रखना है रेगुलरली। एंड हमेशा याद रखना, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो ऑब्वियसली गो फॉर लॉन्ग पीरियड। सर लॉन्ग पीरियड कितना हो? मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम आपके ऊपर है, लाइक 10 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, वो कितना हो सकता है, बट मिनिमम 3 इयर्स होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ लाइक फॉर 6 मंथ्स के लिए आप इन्वेस्ट कर दीजिए, 8 मंथ्स के लिए या 1 मंथ के लिए, तो लाइक साल रख के देख लेते हैं, देखते हैं कैसे इन्वेस्ट, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप देखिए, मैंने को बताया कि देखिए मार्केट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, रियल इस्टेट, फिक्स डिपॉजिट, RD, कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट, सो ऑब्वियसली इसमें आपकी मनी ग्रोथ होती है। अगर हमें इसको म्यूचुअल फंड से कन्वर्ट देखा जाए, तो म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है? देखिए वैसे तो देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ कि म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। देखो अगर कोई ऐसा बताता है, ऑब्वियसली वो भगवान ही है, ठीक है। बट अभी तक मैं जो आपको जो डेटा बता रहा हूँ, ठीक है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बेसिस। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में देखिए फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। सो मैं सिर्फ अपने जो है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग और जो पास हिस्ट्री और डेटा के अकॉर्डिंग जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो है रिटर्न जो वो किस तरह के मिलते हैं और कितना कितना मिल सकता है, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको बिफोर कोविड का सिनेरियो बताऊँ, लाइक अगर बिफोर कोविड का 1 साल पहले का रिटर्न, देखिए जैसे इंडिया में जो है कोविड जो हिट किया था, वो मेनली 5 मार्च में हिट किया था, ठीक है। लॉकडाउन लगा था मार्च में, तब मार्केट में सडनली जो है काफ़ी डाउनफॉल हुआ था। तो उससे पहले जो म्यूचुअल फंड जो है ऑन एंड अराउंड जो है एवरेज रिटर्न जो है वो 8 to 10% आराम से मिल रहा था। बट अगर आप पोस्ट कोविड की बात करें या फिर ड्यूरिंग कोविड की बात करें, ठीक है, सो उसमें एक ही साल में जो है 100% रिटर्न नहीं मिला है। यानी जिसने जैसे ही मार्केट डाउन हुआ, अगर उसने लोएस्ट रेट पे भी अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा उस टाइम पे, तो आज के टाइम में उसका मनी डबल हो गया हो, 100% डबल वो मिल गया हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो मैं अगर आपको इन शॉर्ट आकर बताऊंगा, अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए देखने जा रहे हो, मैं कहूंगा कि देखिए अगर मार्केट मैं करूंगा अगर बहुत ज़्यादा खराब रहे, तो मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टाइम में भी, लाइक अगर आप मान लीजिए 10 साल के इन्वेस्ट करते हो, सो आपको ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 9 to 10% आपको जो है रिटर्न मिल ही जाएगा। मैं तो ये था आपको खराब से खराब बता रहा हूँ, और अगर बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा, ठीक है, मतलब मान लीजिए 10 साल के 10 साल देखिए अच्छा तो जाएगा नहीं, कोई साल बहुत खराब जाएगा, ठीक है, मार्केट जो अप डाउन चलता रहता है। मान लीजिए बहुत अच्छा रहा, तो कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग आपको 25% रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। और अगर आप एवरेज लेके चलो, तो मैं बोलूंगा कि 15 to 16% ऐसा आपको रिटर्न मिल जाना चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो अभी मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ बेसिक क्रक्स कुछ नहीं बताया, अभी मैंने सिर्फ बताया कि इक्विटी जो म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली डायरेक्टली लिंक करता है किससे, इक्विटी शेयर से। कैसे लिंक कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, अब बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको सब समझाऊंगा। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली में काम करता कैसे है। देखिए जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया रिलायंस का, देखिए जैसे एक इंडिविजुअली अपनी खुद की एक इन्वेस्टमेंट होती है, वो क्या होता है, एक बास्केट बनाता है, ठीक है, और बास्केट में वो अलग अलग जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करता है। किसने रियल एस्टेट में बिजनेस मतलब अपना जो है मनी को इन्वेस्टमेंट किया, किसने कमोडिटी मार्केट में गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की, किसने FD में इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो एक बास्केट बनाता है और उसके अकॉर्डिंग एक पोर्टफोलियो बन जाता है। एक मैं बता रहा हूँ एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ कि एक कंपनी भी कंपनी में जो एक इंडिविजुअल तरह काम करता है, ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री क्या करता है, बेसिकली मैं सिर्फ रिलायंस की बात नहीं कर रहा, सभी कंपनी ऐसे काम करती है, वो अपना एक पोर्टफोलियो बनाती है और वो अलग अलग सेक्टर में जो अपना जो है
पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं, लाइक पावर सेक्टर हो गया, ठीक है, या फिर जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, मनी मार्केट हो गया, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर जो है वो बनाते हैं, और उसका उसके हिसाब से एक वो बास्केट बना लेते हैं, एक पोर्टफोलियो बन जाता है, ठीक है। और पोर्टफोलियो बनाने के बाद वो एक NAV बनाते हैं, NAV दैट इज नेट एसेट वैल्यू। इसके मैं अभी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा NAV के बारे में, तो अभी मैं बता रहा हूँ बस कि जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था शेयर्स का, जैसे लिखा था 2000 का है ये, इसकी एक करंट मार्केट वैल्यू है, ठीक है, फेस वैल्यू स्टार्ट होती है 10 रुपीज़ से, और वो 10 रुपीज़ से वो 2000 में पहुंच गया। ऐसे ही जो म्यूचुअल फंड होता है वो उसका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे हर कंपनी, ठीक है, उसको एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो एक वो म्यूचुअल फंड में जाके रजिस्टर्ड होता है, तो वो NAV के थ्रू होता है, दैट इज नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। और फिर क्या करते हैं इसमें, जो है मान लीजिए काफ़ी सारा जो इन्वेस्टर हैं, एक पूल बन जाता है, और वो सब मिलके जो है इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली, जब वो फंड को इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो देखिए जो मैं बता रहा हूँ क्या कंसेप्ट है यहाँ पर, कि म्यूचुअल फंड जो बेसिकली डायरेक्टली लिंक टू दी इक्विटी शेयर, मैंने ऐसे को बताया, जैसे बताया मैं कि रिलायंस इंडस्ट्री किस में इन्वेस्ट करती है, पावर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, फार्मा में, मनी मार्केट में, तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो इक्विटी शेयर, अलग अलग इक्विटी शेयर पकड़ते हैं। जैसे देखिए पावर सेक्टर पकड़ लिया, पावर सेक्टर पकड़ लिया उन्होंने, जैसे कि मैं बोलूँ कि उन्होंने जो है लाइक रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, या जैसे मान लीजिए उन्होंने मैन्युफैक्चर में जैसे L&T में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, फार्म में मान लीजिए उन्होंने जैसे सिप्ला में इन्वेस्टमेंट किया, मनी मार्केट में जैसे उन्होंने गवर्नमेंट की जो टी बिल्स ले रही उन्होंने परचेज किए हुए हैं, ठीक है। तो एक पोर्टफोलियो बन जाता है, और उस पोर्टफोलियो को जो एक नाम दे दिया रिलायंस म्यूचुअल फंड, और वो म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू वो कैसे डिफाइन होगी, दैट इज थ्रू NAV, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। एंड व्हेन सम ऑफ पर्सन कम टुगेदर एंड जॉइंटली पूल्ड देयर मनी इन दैट पर्टिकुलर फंड, दैट कम्स दैट विल बिकम म्यूचुअल फंड, ठीक है। सो दिस इज दी लाइक दी बेसिक कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। आइए इसको और क्लियरिटी के लिए और अच्छा सा पढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगर मैं म्यूचुअल फंड को बोलूँ कि म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, दैट इज इट इज़ अ कॉमन पूल ऑफ मनी इन टू विच इन्वेस्टर्स प्लेस देयर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट आर टू बी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इन अकॉर्डिंग विद द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। ये एक अंडरलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज अकॉर्डिंग, बिकॉज इन्वेस्टर बेसिकली गो फॉर द इन्वेस्टमेंट एज पर देयर ऑब्जेक्टिव, उनका टारगेट क्या है। जैसे मैंने बताया वेदर दे आर गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और गोइंग फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, और कोई भी गोल हो सकता है। मान लीजिए कोई बोलता है कि बोलता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी है 5 साल बाद करानी है, तो मुझे 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उनके लिए अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। कुछ बोलते हैं कि नहीं हमें जो है लाइक सेविंग बैंक, जैसे देखिए 4% रिटर्न मिल रहा है छठा में, तो उसी की तरह एक म्यूचुअल फंड देख लेते हैं, सो दैट देयर विल बी अ लिक्विडिटी इन देयर हैंड, ठीक है। सो सबका एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, उसके अकॉर्डिंग वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, क्या क्या होते हैं देखिए। फर्स्ट वन इज इक्विटी। देखिए इक्विटी का मतलब क्या होता है, दैट इज प्योरली रिस्क, इट इज बेसिकली डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दी इक्विटी शेयर्स। जैसे जैसे इक्विटी शेयर बिहेव करेंगे वैसे वैसे जो म्यूचुअल फंड भी बिहेव करेगा, ठीक है। सो इक्विटी मीन्स एन इक्विटी फंड वुड बाय इक्विटी एसेट्स सच एज एन सच एज ऑर्डिनरी शेयर्स एंड या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। देन कम टू डेट, मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि प्योरली जो है वो रिस्क एवर्स पर्सन है, ठीक है, वो बेसिकली दे बेसिकली गो फॉर लाइक फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बट मान लीजिए दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी विद द रिटर्न। मान लीजिए अभी करंटली जो फिक्स्ड डिपॉजिट का रिटर्न है वो चल रहा है मेनली लाइक 5-6%, एंड सपोज वो जो है इस रिटर्न से वो खुश नहीं है, सो उसने डिसाइड किया वो म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे उन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट उन्होंने देखे जहाँ पर उनको उससे ज़्यादा मिल रहा है। मान लीजिए मैं बोलूँ कि उस पर्सन ने जब एनालाइज किया तो जितने भी नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सो मैक्स टू मैक्स जो रिटर्न मिल रहा है मान लीजिए सपोज 6%, और जब उन्होंने उसी सेम पर्सन ने जब म्यूचुअल फंड में देखा तो म्यूचुअल फंड में 7% रिटर्न मिल रहा है, तो उन्होंने ऐसा एक डेट इंस्ट्रूमेंट देखा। डेट में क्या होता है बेसिकली, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डिबेंचर्स,
बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट सिक्योरिटीज, सो इसमें ये सब जो है इंक्लूड होता है। देन कम टू बैलेंस फंड। बैलेंस फंड इज नथिंग बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड फंड। देन अ म्यूचुअल फंड होल्डर इज अ यूनिट होल्डर। देखिए शेयर्स में क्या होता है, मान लीजिए अगर आप किसी पर्टिकुलर शेयर के जब आप शेयर खरीदते हो देन यू बिकम द ओनर। अच्छा वैसे आपने तो मतलब ओनर तो बनाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, जैसे रिलायंस का लेते हैं, एक उसकी वैल्यू कितनी है, 2000 चल रही है ऑन एंड अराउंड, एक शेयर 2000 का है। मान लीजिए आपने इसके जो है सपोज 100 शेयर्स ले लिए, दैट मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख। अब मैं बोल रहा हूँ कि भी मैंने आपको अभी स्टेटमेंट दी दैट वंस यू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर शेयर यू बिकम ओनर, क्या ये बात सही है कि आप ओनर बन जाओगे? ओनर तो बन जाओगे बट ओनली फॉर दीज, ओनली दीज स्टेक। देखिए इस रिलायंस में करोड़ों शेयर होंगे, मैं आपको बोलूँ मान लीजिए इसमें जो है अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 10 करोड़ शेयर जो है इशू किए हुए हैं, उसमें से आपके पास शेयर्स कितने हैं, ओनली 100। तो आप सिर्फ इसी 100 शेयर्स के मालिक हो, पूरे 10 करोड़ शेयर्स के नहीं हो, ठीक है, सिर्फ इसी स्टेक के लिए हो। तो उसमें कोई गलत फहमी मत सोचना, सर बुक में तो लिखा होता कि आप ओनर बन जाते हो, नहीं ओनर तो बढ़ते हो बट ओनली फॉर दैट यूनिट, फॉर दैट शेयर होल्डर, कितने शेयर्स आपने, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने होल्ड किए हैं, उसी के आप मालिक बनते हो, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आप उस शेयर के शेयर होल्डर बनते हो, वैसे आप उसके यूनिट होल्डर बन जाते हो, किसमें, म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में बेसिकली हम जो मेजरमेंट करते हैं वो किसके बेस पर, यूनिट बेस पर करते हैं, ठीक है। एंड उस एनएवी के थ्रू ही हम जो डिसाइड करते हैं व्हाट विल बी दी एनएवी, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। देखिए मैं बार बार आपको नाम दे रहा हूँ नेट एसेट वैल्यू, अब बोल रहे सर आप समझा नहीं रहे, धीरे धीरे करके समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन पार्ट, लाइक इसका बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या, देखिए जैसे देखिए फर्स्ट अगर आप ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर, बेसिकली 3 टाइप के आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल वन। अभी धीरे धीरे इनको हम अच्छे से समझेंगे। देन सेकेंड वन इज दैट इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, अभी हमने पढ़ा, जो रिस्क एवर्स होंगे दे बेसिकली गो फॉर डेट फंड, एंड दोज हु आर रिस्क लवर दे बेसिकली गो फॉर इक्विटी फंड, एंड दोज हु आर लाइक ठीक है हम तो दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब ना तो रिस्क एवर्स है ना लिख ना मतलब रिस्क एवर्स हैं एवरेज हैं, तो बेसिकली दे गो फॉर हाइब्रिड फंड। देन इन्वेस्टमेंट स्टाइल, दैट मीन्स कौन सी इन्वेस्टमेंट स्टाइल आप एडोप्ट करते हो, लाइक वेदर यू आर पैसिव इन्वेस्टर और एक्टिव इन्वेस्टर। सो म्यूचुअल फंड क्या है, देखो म्यूचुअल फंड को इस तरह से बनाया है, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो ठीक है आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ आपका सारा सब सोल्यूशन आपको सब मिल जाएगा यहाँ पर धीरे धीरे करके। पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस पे, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं बेसिकली। देखिए होता क्या, जैसे मान लीजिए जब कोई म्यूचुअल फंड पहली बार मार्केट में आता है तो लिस्ट होता है, तो तब होता है NFO, NFO। जैसे देखिए शेयर्स आता है तो क्या होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ऐसे ही NFO होता है दैट इज न्यू फोलियो ऑफर, ठीक है। तो जब कोई NFO होता है दैट इज वो कि इसका जो फेस वैल्यू कितनी होती है वो 10 रुपीज़ होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है जब कोई नया आता है तो वो क्या होता है ओपन, यानी सबके लिए ओपन होता है, दैट मीन्स एनी इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट एनी अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, ठीक है। अच्छा म्यूचुअल फंड की एक बहुत अच्छी खासियत भी है, अच्छा वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। हाँ जी ओपन एंडिंग मतलब क्या होता है कि ओपन एंडिंग, जैसे मान लीजिए L&T म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, DSP म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, जब भी वो आते हैं कोई भी वो, एंड देखिए अगर मैं बोलूँ ओपन एंडेड फंड यानी कि वो ओपन रहते हैं, यानी कि कोई भी इन्वेस्टर इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स देर इज नो फिक्स मैच्योरिटी डेट, एक्सेप्टेंस कंटिन्यू सेल एंड रीपर्चेज रिक्वेस्ट, कभी भी आप ऑर्डर दे सकते हो। ट्रांजेक्शन आर प्योरली बेस्ड ऑन NAV बेस्ड, यूनिट कैपिटल आर नॉट फ्यूज्ड, यानी कि कोई फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप। क्लोज एंडेड यानी कि क्या होता है क्लोज में, दैट मीन्स दे बेसिकली रन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे मान लीजिए आज किसी पर्टिकुलर, जैसे माने SBI ने आज को एक नए NFO लॉन्च किया एंड दे हैव क्लियरली डिफाइंड ऑन देयर लाइक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड दैट दे आर ओपन ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, लाइक सपोज फॉर ओनली 10 मंथ्स
आफ्टर 10 मंथ्स इट विल बी क्लोज, ठीक है। सो वो तभी यानी कि एक NFM में डिसाइड करते हैं एंड दे आर क्लोज फॉर द परचेज, यानी कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, मान लीजिए वो 10 मंथ्स के लिए ओपन हुआ था, विद इन 10 मंथ्स आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, आप और 10 मंथ्स के बाद क्या वो NFO क्लोज हो गया, यानी कि क्लोज यानी कि उन्होंने म्यूचुअल फंड को बंद नहीं करा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट में कर दिया, यानी कि फर्दर इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं कर सकता, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ना कम टू इंटरवल, दैट मीन्स वेरियंट, यानी कि एक उसका ही एक एक्सटेंशन पार्ट है क्लोज एंडेड का। क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया, SBI ने आज लॉन्च किया, उन्होंने बोला कि 10 मंथ्स के लिए उन्होंने जो वो ओपन किया हुआ है, सॉरी यहाँ पर SBI ने 10 मंथ्स के लिए जो ओपन किया, अब क्या दोबारा खुल नहीं सकता? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए जस्ट आफ्टर 1 ईयर उन्होंने फिर से उसको ओपन कर दिया, एंड जब ओपन किया दे हैव क्लियरली अगेन मेंशन दैट इट इज री ओपन अगेन फॉर द 10 मंथ्स ओनली। तो ये मीन्स एक रेगुलर उनका जो है टर्म होता है, एक इंटरवल डिसाइड करते हैं दैट एवरी 6 मंथ्स दे विल क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज अमंग द ट्रेड्स, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड इंटरवल फंड्स। वैसे देखिए ये सिर्फ एक ऑन पेपर है कि ये भी एक अनदर टाइप का इंटरवल फंड होता है, बट ऐसे कुछ नहीं। देखिए 90% जो वो ओपन एंडेड होते हैं एंड बाकी तो सारे जो कि क्या कहते हैं क्लोज एंडेड ही होते हैं, ठीक है। सो बिफोर यू गो टू लाइक इन्वेस्टमेंट आप देख लेना कि वो ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। ना कम टू द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे मैंने बताया था, अगर कोई रिस्क एवर पर्सन है दे विल गो फॉर डेट फंड्स, रिस्क लेवर पर्सन दे विल गो फॉर इक्विटी फंड्स, एंड जो एवरेज इन्वेस्टर होते हैं लाइक नेदर दे आर रिस्क लेवर और रिस्क एवर्स दे विल गो फॉर हाइब्रिड फंड्स, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल, दैट इज टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल, फर्स्ट वन इज पैसिव एंड अनदर वन इज एक्टिव। पैसिव इन द सेंस दैट मीन्स सपोज यू आर एन इन्वेस्टर एंड यू वॉन्ट टू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड बट यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम ऑन दिस बिकॉज यू डोंट हैव एनी नॉलेज। सो बेसिकली यू हायर लाइक योर एजेंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ योर द एजेंट इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। सो दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड थ्रू एन इंटरमीडिएटर, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी मीडिएटर को हेल्प लेते हो तो वो कमीशन भी चार्ज करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है दो तरह की होती है, एक तो होती है आपकी डायरेक्ट और एक आती है आपकी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, आपको टाइम स्पेंड नहीं करना होता, चाहे आप सैलरी इनकम पर्सन हो बिजनेस इनकम पर्सन हो तो आप बस उसके थ्रू कर दो, आपको कमीशन देते हो, ठीक है करो। बट यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं, फंड की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स पैसिव फंड एंड एक्टिव फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड ने फंड बना रखे हैं, यानी कि बोलते हैं कि आपको ना कोई मतलब क्या कहते हैं इंटरमीटर हायर करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इंडेक्स फंड इन द सेंस जैसे सेंसेक्स, ये क्या एक तरह का इंडेक्स है, निफ्टी 50 ये भी क्या एक तरह का क्या है इंडेक्स है। सो बोलते हैं कि जैसे जैसे सेंसेक्स मूव करेगा वैसे वैसे आपके फंड यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू वो भी मूव करते रहेगी। जैसे देखिए सेंसेक्स में जो है टॉप जो है वो जैसे देखिए निफ्टी में जो है टॉप जो है देखिए कहते हैं 50 शेयर्स हैं लिस्ट बनाई हुई है, तो वो एक तरह का एक म्यूचुअल फंड बन जाता है उसी सेम प्रोपोर्शन में, तो एक इंडेक्स फंड बन जाता है दैट इज कॉल्ड पैसिव फंड, ठीक है। दैट मीन्स आप एक अलग से कोई एक मतलब जो टॉप 50 जो शेयर्स हैं इसमें यानी कि इसमें आपको कोई फ्रीडम नहीं मिलती कि आप कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, आपका खुद का एक पोर्टफोलियो में भी नहीं बना सकते। पैसिव फंड में क्या होता है, बनी बनाई जो है एक पोर्टफोलियो होता है, आपको सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे इंडेक्स फंड मूव करेगा वैसे वैसे जो आपका फंड मूव करेगा। एक्टिव फंड में क्या होता है, जैसे देखिए म्यूचुअल फंड देखिए और भी तरह के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, उन सबके अलग अलग होते हैं, यानी कि कुछ हाईली वोलेटाइल होते हैं कुछ लेस वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या करते हैं आपका एक फंड अलग अलग बनाते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको खुद ही सेलेक्ट करना पड़ता है कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, उनको खुद ही आपको रेगुलर अपडेट करना पड़ता है। सो दीज आर कॉल्ड एक्टिव फंड। सो आई रिपीट वंस अगेन द डिफरेंस बिटवीन द पैसिव फंड एंड एक्टिव फंड। पैसिव फंड्स आर बेसिकली दोज फंड दैट आर टोटली रिलेटेड टू द इंडेक्स फंड्स लाइक सेंसेक्स और निफ्टी,
तो जिस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी में जिस प्रोपोर्शन में उनके शेयर्स जो उनका बना होता है लिस्टेड होते हैं, तो उसी तरीके उसी लिस्ट में ही सेम लिस्ट में आपके म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, पोर्टफोलियो बना होता है। एक्टिव फंड में क्या होता है आपका, यानी कि अदर देन इंडेक्स फंड्स। देखिए निफ्टी 50 है, टोटल 50 शेयर हैं, लेकिन क्या मार्केट में क्या और बाकी शेयर खराब है? ऐसे थोड़ी ना है, ठीक है, ऐसे लाखों शेयर्स हैं उसके अलावा, तो उन उनमें भी तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। तो एक तरह का एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन इन ऑन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लवर हो तो आप हाईली वोलेटाइल शेयर्स लेते हो, ऐसे आप उसी तरह का एक हाईली वोलेटाइल क्या पकड़ लो गया म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करोगे। सो दीज आर कॉल्ड एक्टिव फंड्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जैसे मैंने आपको बताया कैटेगरीज क्या क्या है, जैसे इक्विटी स्कीम्स हो गए, डेट स्कीम्स हो गई, हाइब्रिड स्कीम्स हो गई। अच्छा एक और होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम इन द सेंस सपोज लाइक मैरिज फंड हो गया, एजुकेशन फंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रत्न उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, ठीक है। या फिर टैक्स सेविंग से रिलेटेड हो, जैसे ELSS हो गए, आपको टैक्स सेविंग करनी है, ठीक है। देन अदर स्कीम्स जैसे इंडेक्स फंड्स हो गए, अभी मैंने बताया जैसे पैसिव फंड्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जैसे देखिए ग्रोथ फंड, ग्रोथ फंड क्या था बेसिकली, जैसे सपोज आपको देखिए आपने देखिए लाइक बचपन में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, दैट इज सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आपने प्रॉफिट निकाल लिया डिवाइड बाय आपने कॉस्ट प्राइस इंटू 100, आपने अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है। ऐसे आप रिटर्न भी कैलकुलेट करोगे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। सो ग्रोथ फंड इन द सेंस जो भी आपकी आपकी जो रिडेम्पशन वैल्यू होगी, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंटू 100, ठीक है। तो उसकी तरफ से आप जो इन्वेस्ट करोगे, तो दैट मीन्स दे बेसिकली ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। आपने जब जब ग्रोथ करा, आपने रिडीम करा और आपने रिटर्न कैलकुलेट करा, दैट इज कॉल्ड प्योरली बेस्ड ऑन ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज इनकम। देखिए जैसे मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड जो है एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपको जो है सब तरह के एग्जांपल मिलेंगे। इनकम फंड इन जैसे दैट मीन्स यू आर गेटिंग रेगुलरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड। कैसे हो सकता है? दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन डिविडेंड। यानी कि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो कि आपको जो रिटर्न मिलते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूँ सपोज HDFC डिविडेंड फंड। इसमें क्या था, सपोज यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट कर दी, सो आपको इसमें क्या 1% डिविडेंड आपको रेगुलरली पर मंथ मिलता रहेगा। आई रिपीट, 1% पर मंथ एज डिविडेंड यू विल गेट ऑन योर बैंक अकाउंट, सो दैट इज कॉल्ड इनकम फंड। नाउ कम टू बैलेंस फंड, बताता था ये क्या होता, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी प्लस डेट। देन मनी मार्केट, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन डेट फंड्स। लोड फंड्स, दैट इज लोड फंड्स, देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लोन। लोड फर्स्ट वन इज एंट्री लोड एंड सेकेंड वन इज एग्जिट लोड। एंट्री लोड पहले हुआ करता था कंसेप्ट, बट अब नहीं है। होता कहता है वंस यू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर फंड यू हैव टू गिव सम परसेंटेज एज लोड फंड। सपोज 1%, आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो आपका 1% पहले डिडक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड ओनली 99,000। बट अब एंट्री लोड हटा दिया बिकॉज सेबी ने बोला कि नहीं हमें जो है लोगों को मोटिवेट करना है, ठीक है, कि भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो उन्होंने बस सिर्फ एग्जिट पे होगा, एंट्री भी नहीं सिर्फ एग्जिट पे, यानी कि दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन यू हैव टू पे सम परसेंटेज एज लाइक जो भी उनका चार्जेस होते हैं एज एग्जिट लोड। देन नो लोड फंड इन कुछ होते हैं जिन पे कोई लोड प्राइस नहीं होता, मीन्स नीदर एंट्री लोड नॉर एग्जिट लोड। देन सम ऑफ आर टैक्स सेविंग फंड्स, जैसे देखिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है लाइक सपोज अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है, अगर आप ELSS में इन्वेस्ट करते हो,
ELSS, that means equity linked saving schemes. ठीक है, तो इसमें आपका लॉक इन पीरियड होता है आपका 3 ईयर्स का. दैट मीन्स यू कांट रिडीम. अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दी टैक्स सेविंग फंड में, तो आप 3 साल से पहले इसमें आप पैसे देख सकते हो, लेकिन निकाल नहीं सकते, रिडीम नहीं कर सकते, लॉक हो जाता है आपका. ठीक है, सो इसमें कहते हैं आपको, मान लीजिए अगर आपने 150,000 इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली, ठीक है, या जितना भी आप मतलब मैक्स टू मैक्स 150 अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लिया इसमें आपको, तो इसमें आपको जो गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन दे देती है 80C के अकॉर्डिंग, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको पता होता है कि एग्जम्पशन होती है इनकम, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो इसमें आपको 80C की रिडक्शन मिलती है. इसमें देखिए आपका वैसे देखा तो अच्छा है, वैसे देखिए 80C में देखिए और भी आपके लाइक एवेन्यूज अवेलेबल हैं, जो आप जहाँ पर आप एग्जम्पशन ले सकते हो. जैसे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको FD में करोगे तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी. तो देखिए मैं तो कहूँगा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है. देखिए एक तो म्यूचुअल फंड इतना हाई रिस्क भी नहीं होता, आपकी टैक्स सेविंग भी हो रही है, आपको ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है, आपको रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द टैक्स सेविंग्स. नाउ लेट्स सी द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स. फर्स्ट वन इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन. ऑब्वियसली दैट मैंने आपको बताया था कि जैसे लाइक एवरी कंपनी मेक देयर ओन पोर्टफोलियो एंड बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन देयर पोर्टफोलियो. ठीक है, बोलते हैं ना कि लाइक आपको जो जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यू नीड टू पुट योर मनी इन डिफरेंट बास्केट, नॉट इन अ वन बास्केट. ठीक है, अच्छा म्यूचुअल फंड की एक बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने बताया था, मैं थोड़ी देर आपको बताऊंगा. ऐसे देखिए मैंने बताया था, मैं बोलूँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है सपोज MRF में, MRF शेयर में. MRF का एक शेयर 70,000 का है, MRF का एक शेयर 70,000 का है. अब उसमें अगर मैं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ, मैं बोलूँगा मैं क्यों शेयर करूँ, एक शेयर लेने के लिए मैं 70,000 रुपये खर्च करूँगा, इतने पैसे आएंगे कहाँ से, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ. देख आप बोलोगे सर, अब बोलोगे सर ऐसे तो 70,000 के हैं, कुछ 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 शेयर सर 5 रुपये के भी हैं, आप इन्वेस्टमेंट करो भी हाँ, लेकिन मुझे ये शेयर अच्छा लगता है. MRF शेयर अपना इतना लाइक वेल कहते रेप्यूटेड कंपनी है, हाँ जी वेल रेप्यूटेड कंपनी है ये, तो मैं MRF में शेयर करना MRF शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई ये इसका एक शेयर जो है 5 रुपये का है, तो ऐसा खेल का क्या म्यूचुअल फंड में होता है? जी नहीं, म्यूचुअल फंड में नहीं होता. म्यूचुअल फंड की जो जैसे मैंने आता है वैल्यू जो है वो NAV से कैलकुलेट होती है. NAV से होती है, ठीक है. तो इसमें आपका अगर आपका 500 रुपये भी है तो आप 500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है. 500 रुपये शेयर है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 500, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट. दैट मीन्स देखिए म्यूचुअल फंड को जो रेगुलरली कौन बनाता है, दैट इज देखो जो पोर्टफोलियो मैनेज कौन बनाता है, दैट इज फंड मैनेजर. तो इसके जो जो फंड मैनेजर है दैट दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे आर हाईली प्रोफेशनल. ठीक है, देन ऑब्वियसली आपका जब आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता है आपका रिस्क भी कम हो जाएगा. देन रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, बिकॉज इफ यू आर लाइक गोइंग फॉर द इक्विटी शेयर तो आपको बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं है. देन देयर आर वाइड चॉइस, ऑब्वियसली आपके पास वैरायटी बहुत होती है, म्यूचुअल फंड बहुत तरह के होते हैं. देन लिक्विडिटी, ऑब्वियसली लिक्विडिटी काफ़ी बनी रहती है इसमें, दैट मीन्स आप इजिली जो है सेल कर सकते हो, इजिली परचेज कर सकते हो. हाँ थोड़ा टाइम लाइक जैसे देखिए अगर आप इक्विटी शेयर में बिजनेस करते हो तो अगर आप जैसे ही अगर आप सेल का ऑर्डर लगते हो आपको T+2 का ऑर्डर लगता है, सेम ऐसे ही यहाँ पर T+2 यहाँ पर होता है. T+2 का तो बेसिकली अगर आपने आज सेल का ऑर्डर दिया तो आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो 2 दिन बाद आएंगे, सो दैट इज कॉल्ड T+2. ठीक है, सो लिक्विडिटी ठीक है, आपका लिक्विडिटी बनी रहती है, प्लस कन्वीनियंस भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी अपना जो है म्यूचुअल फंड चेंज कर सकते हो. देन ट्रांसपेरेंसी रहती है, दैट मीन्स आप जो है रेगुलर मॉनिटर कर सकते हो. अगर आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करिए सपोज SBI, तो आप SBI का फंड देख सकते हो, किसी को फंड मैनेज कौन कर रहा है, और जो फंड मैनेजर उसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हो,
वो कहाँ से, उसका बैकग्राउंड क्या है, कितना प्रोफेशनल है उसकी, और उसमें कितना जो है उसकी हिस्ट्री, कितनी परफॉर्मेंस कैसे रही है, तब तो उसको पूरा पूरा आप एनालाइज कर सकते हो। देन ऑब्वियसली जब कुछ प्रॉन्स होते हैं तो कुछ कोई कॉन्स होते हैं। फर्स्ट वन, देर इज नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। समटाइम्स अगर मान लीजिए, अगर आप ऐसा मैं चाहता कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इनडायरेक्ट भी कर सकते हो। जब आप इनडायरेक्ट करते हो तो दैट मीन्स यू नीड टू पे सम कमीशन, ठीक है। अभी हम एक बात कंसर्ट की बात करेंगे, एक्सपेंस रेशियो की, वो भी हम बाद में बात करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि वो चार्जेस हाई, काफ़ी हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो कई बार उस पर कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल इन देंस ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनलिमिटेड अमाउंट है, आपने 1 लाख रुपये का तो 1 लाख रुपये का आपको कमीशन देगा, ऐसा नहीं है। कुछ परसेंटेज होता है, से 0.5%, 1%, ऐसे इस तरीके से होते हैं। कॉस्ट तो देखो देनी पड़ती है, शेयर्स में करोगे, शेयर्स में तो एज कम्पेटिव ज़्यादा होती है। मैनेज पोर्टफोलियो फंड्स, ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू लाइक द होल म्यूचुअल फंड प्योरली मैनेज्ड बाय द फंड मैनेजर, सो दे बेसिकली रेगुलरली अपडेटिंग देयर फंड्स लाइक हु आर मैनेजिंग वेल और नॉट। देन डिले इन रिडेम्पशन, समटाइम्स कब होता है मैं बताता हूँ, ये डिपेंड करता है कि लाइक आपका जो T+2 में आता था कि वो वर्किंग डे में काम करता है। जैसे देखिए, सपोज अगर आपने मंडे को ऑर्डर दिया आपने, ठीक है, मंडे को आपने ऑर्डर दिया एंड पूरा वीक जो है कोई कोई हॉलीडे नहीं है, तो आपको जो है बाय थर्सडे आपके अकाउंट में जो आपने ऑर्डर दिया आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट सपोज अगर एक दिन का भी मंडे का सपोज आपने मंडे को ऑर्डर दिया एंड ट्यूजडे को एक जो है हॉलीडे होगी, तो वो ट्यूजडे जो डे है वो काउंट नहीं होगा। तो आपका जो T+2 होगा दैट मीन शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि वेंसडे, थर्सडे और फिर फ्राइडे के को आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। सो समटाइम्स वो जो है वो टाइम पीरियड थोड़ा डिले हो जाता है। बाकी तो देखिए जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से देखना होगा। देन आपके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, दो तरीके होती है। फर्स्ट वन इज लमसम एंड सेकेंड वन इज SIP। लमसम इन सेंस दैट मीन्स एक आपने बड़ा अमाउंट आपने एक टाइम में ही आपने इन्वेस्टमेंट करती है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सो दैट इज कॉल्ड लमसम, ठीक है। SIP इन सेंस दैट मीन्स आप लमसम नहीं करना चाह रहे, आप छोटे छोटे अमाउंट जो है रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन SIP, दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और देखिए अगर मैं अगर बोलना चाहूँगा, अगर आपको देखिए कंपाउंडिंग रिटर्न चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, सो आई थिंक अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो दैट मीन्स यू मस्ट गो फॉर SIP। मैं ये नहीं कर रहा सिर्फ लमसम में टिकर, मैं कह रहा हूँ दोनों करना चाहिए, रेगुलर भी रहो, SIP तो बंद करो मत, आपने स्टार्ट कर दो बंद करो, ठीक है। लमसम तब बोलो जब लगे मार्केट बहुत ज़्यादा क्लैश कर गया, क्रैश कर गया एकदम सही, 10% डाउन हो गया, तो लमसम अमाउंट तब काम आता आपका। देन देर आर टू मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज डेट एंड रेगुलर। डेट मोड में कहता है दैट मीन्स सपोज यू आर लाइक हाईली क्वालिफाइड एंड यू आर आप जो है डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आपको प्रॉपर नॉलेज है, सो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर रेगुलर, और सॉरी यू शुड गो फॉर डेट म्यूचुअल फंड। सो दैट मीन देर इज नो इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, एनी एजेंट, एनी ब्रोकरेज और एनी डिस्ट्रीब्यूटर, एंड देर विल बी नो कमीशन, एंड दे हैव लो एक्सपेंस रेशियो। ऑब्वियसली इमीडिएट हट गया तो उसका एक्सपेंस हट जाता है, एंड दे हैव हाई NAV, ठीक है। रेगुलर में क्या होता है दैट मीन्स ऑब्वियसली देर इज इंटरमीडिएटर, सो दैट मीन्स यू नीड टू पे सम कमीशन टू दैट ब्रोकर ऑल्सो, ठीक है। तो उसका एक्सपेंस थोड़ा हाई होता है, एंड का एज कम्पेयर टू डायरेक्ट उसका NAV थोड़ा कम होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल लूँ किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो NAV, अगर आप डायरेक्ट फंड में देखो तो 100 चल रहा है, तो रेगुलर में उसका कितना चल रहा होगा, दैट इज सपोज 98.5, इतना ही डिफरेंस करता है। बाकी देखिए मोरल सब सेम है, अगर आपको लगता है कि लाइक आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहते हो, ठीक है, टाइम भी देना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली यू गो फॉर दिस, ठीक है। सो दिस इज ए होल कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड। आगे और सीरीज में हम इसकी और डिस्कस करेंगे, लाइक इसके रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे आप कंपेरिजन कर सकते हो, ठीक है। सो दैट ऑल वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। थैंक यू।